हज़रत अलामा सैयद अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नकल फरमाया शवाहिदुन नबुव्वतों और दीगर भी उलमाए किराम तो आपने रिवायत फरमाया और आपने फरमाया कि ए वाला वाकया बाज़ ने लिखा मक्का मुकर्रमा दा, बाज़ ने लिखा मदीना तैयबा दा, बहरहाल वाकया मौजूद है कि हज़रत सैयदाए कायनात सलामुल्लाह मक्का शरीफ होवे या मदीना शरीफ, आका करीम अलैहिस्सलाम हुज़ूर दी खिदमत अकदस दे अंदर कुरैश दियाँ चंद खवातीन आ गई, उन्हें आन के अर्ज़ की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबुल कासिम, ए अबुल कासिम हुज़ूर दी कुनियत मुबारक के साडे फलां सरदार दे हाँ बेटी की शादी है, तो अपना अगरचे मज़हब दे नाल ते इख्तिलाफ है तुहाडा हो रे साडा हो रे, लेकिन अपना कबीला कुनबा रहन सहन इको शहर के अंदर इको जगह थे, तो लिहाजा साड़ी ये ख्वाहिश है कि तुसी अपनी बेटी फातिमा तैयबा ताहिरा नू शादी के अंदर शिरकत वास्ते भेजो। आका करीम अलैहिस्सलाम हुजूर ने कुछ देर खामोशी इख्तियार फरमाई, खामोशी इख्तियार करने तो बाद आका करीम अलैहिस्सलाम हुजूर ने रजामंदी का इजहार फरमाया, हुजूर ने फरमाया ठीक है मेरी बेटी फातिमा आ जाएगी, वो चलियाँ गई। आका करीम अलैहिस्सलाम हुजूर ने हज़रत सैयदा ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा आपनू फरमाया कि बेटी इस तरह करके कुरैश दियाँ औरतें आईया सन, तो मैं तो रजामंदी का इजहार कर दिता है, मैं उन्होंने कह दिता है कि मेरी शहजादी आएगी शिरकत करेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ा ने गिरामी कदर होया कि हज़रत सैयदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपने अर्ज़ की अबाजान आपदा जो हुक्म आपदा हुक्म मुबारक सा रखा थे जिस तरह मैंने हुक्म फरमाओ मैं जान वास्ते तैयार हाँ राजी हाँ, लेकिन अब्बा जान उन्होंने मकसद सिर्फ मैनू शादी की तकरीब मैनू बुलाना या मेरी शिरकत मतलूब नहीं, बल्कि वह तो इस्लाम का इस्तेहजार मजाक उड़ाना चाहते हैं। हाँ जी कि वेखिए तो सही इमाम उल अंबिया और जेड़ा नबी कहता है कि भी सारे जमीन के खजानों दियाँ चाबियां मेरे को ने, उस नबी की शहजादी कहो जहा लिबास पा के आँदी। अब्बा जान उत्थे ते शैबा दी बीवी भी होएगी, उत्थे अबू जाल दी भैन भी होएगी, उत्थे अबू सुफियान दी बीवी हिंदा भी होएगी, उत्थे अबू लाब दी बीवी उम्मे जमील भी होएगी, कि जिन्हां नूं इस्लाम दी मुखालफत करन तो सिवा इस्लाम दा मजाक उड़ान तो सिवा इस्लाम ते तानो तशनी करन तो सिवा उन्हां दा होर काम ही कोई नहीं। तो अब्बा जान मैं अगर ऐसे ही लिबास दे विच जावांगी तो अब्बा जान उत्थे वेख के तो इस्लाम दा मजाक उड़ान गियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ा ने गिरामी क़दर हज़रत सैयदा कायनात हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दी अखां मुबारकां चों आंसू जारी हो गया, अर्ज़ कीती अब्बा जान अज अगर मेरी वालिदा मुहतरमा हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा खदीजा तुलकुबरा रदी अल्लाह तआला ना अगर अज मौजूद होंगी अब्बा जान मैं उन्होंने अर्ज़ कर देनी सी आप दे सामने अर्ज ना कर दी, लेकिन अब्बा जान हुण मैं किहड़ा लिबास पहन के जावांगी ताकि इस्लाम का मजाक ना बने इस्लाम ते तानू तशनी ना होवे। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या खूबसूरत बात फरमाई, आपने फरमा आया के माँ मरे ते ओए माँ पे मुक दे ए बाप मरे घर वेला ओ वीरा बाज मुहम्मद बख्शा ओए उजड़ जांदा जे मेला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सैयदाए कायनात ने अर्ज़ की अब्बा जान लिबास केड़ा पहन के जावांगी, उधरों अल्लाह करीम ने जनाबे जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम नूं फरमाया जिबरील जा जल्दी कर मौला की हुक्म है, फरमाया जा मेरे महबूब दी शहजादी परेशान है, मेरे महबूब नूं जाके पैगाम दे दे कमली वाले सैयदा नूं आख दे ओ ए मेरा पैगाम पहुँचा दो ए सैयदा जा अज यही बारह पेवंद लगी हुई चादर मुबारक ओढ़ के अज शादी की तकरीब के अंदर शिरकत कर, फिर साड़ी कुदरत का नज़ारा भी मुलाहजा कर लेना। ए सैयदा जेने ऐसे लिबास अज इन्हां कपड़िया मुबारकां दे अंदर अज ऐसे चादरे तत्हीर दे अंदर अज असी अपनी कुदरत दा मुशाहदा करवावांगे। हज़रत सैयदा कायनात तैयारी की चादर मुबारक लई आप चल पईआं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त उन्हां दे घर दे करीब पहुंचियां एक आवाज़ आई, फरमाया सारियां उठ के
खड़िया हो जाओ इस्तकबाल करो मुहम्मद अरबी दी शहजादी तशरीफ लैके आ रही ने। सारिया औरतां उठ के खड़िया हो गई। हजरत सैयदा ज़हरा कायना सलामुल्लाह अलैहा आप जिस वक्त तशरीफ लैके गई उन्होंने वेख्या उन्होंने एक रोबो हैबत तो जलाल तारी हो गया। हजरत सैयदा दा लिबास मुबारक आप दे लिबास दे विचों नूर दियां लाटां पईयां निकल दियां ने, दरो दीवार रोशन हो रहे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा उन्हां खवातीन ने वेख्या इंज लगदा है जिवें कोई सैयदा कायनात दा कोई पल्लू उठाया होया है। किसी ने कमीज़ दा किसी कनीज ने कोई पल्लू उठाया है, कोई कनीज ने किसी ने चादर मुबारक उठाई है, कोई आपनू पंखा मुबारक पई जल दिए, कोई ऊद दी खुशबू अगे अगे सुलगाई जा रही है। वो खवातीन ने जिस वक्त हजरत सैयदाए कायनात दा रोबो दबदबा आप दे आउण दा अंदाज वेख्या वह आपस च गल्लां करन लग पईआं। कहंदियां इत्थे लगदा है कोई सत्तां बादशाहियां दे इस सल्तनत दी शहजादी कोई आ रही है। किसी ने आख्या लगदा है ते सारी कायनात दे बादशाह दी धी पई आउंदी है। जिस वक्त हजरत सैयदा कायनात करीब पहुंचिया उन्होंने हवा होशो आवाज़ जरा दुरुस्त होए उन्होंने क्या कहन लगे हुए थे फातिमा बिनते मुहम्मद इतने फातिमा बिनते मुहम्मद अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा कायनात आपनू वेख के कहन लगियाँ ए फातिमा हूँ कोई औरत ओ काफरां दियाँ औरतां कोई हजरत सैयदा कायनात दे कमीज़ दा कोई पल्लू पई वेख रही है, कोई दूसरा पल्लू वेख रही है, कोई चादर मुबारक नू वेख रही है। नाले कहंदियां ने ए फातिमा इत्ते दस एडा कीमती लिबास कित्थों लियांदा ई, अज तक असी ते इहो जिहा कपड़ा ही नहीं वेख्या, अज तक ते असी इतना कीमती लिबास वेख्या ही कोई नहीं, ए फातिमा कित्थों लिबास आया। हजरत सैयदा कायनात दा बेमिसाल लिबास लश्कारे हर पासे पै पैंदे ने आप दे लिबासे अकदस दे। अल्लाह अकबर कबीरा खवातीन हजरत सैयदा दे कदमां ते गिर गईयां, कहन लगियां फातिमा सानू माफ़ कर दे, सानू माफ़ कर दे, आओ जरा तशरीफ रखो, दसो ना असी तुहाडे वास्ते केड़ा शरबत पेश करिए, की चीज़ तनावल फरमाओगे। हजरत सैयदा कायनात ने फरमाया, आपने फरमाया मेरे बाबा जान दा ते फरमाने अकदस है, हजूर दा अब्बा जान दा ते सानू फरमान है कि एक दिन खाना खाना है दो दिन भुखा रहना है। फरमाया मैनू तुहाडे खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुसी मैनू राजी करना चाहदियां हो ते मेरी इक्को ही ख्वाहिश है एक कुफर दे जुल्मत कदे दे विचों निकल के इस्लाम दे गुलस्तान दे अंदर दाखिल हो जाओ। अगर मैनू राजी करना है तो फिर कलमा पढ़ो तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हाँ जी, एक किस्मत ते मुकद्दर दी बात सी, अक्सर औरतां कलमा तैयबा पढ़ के दारा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाइयां हो गईयां, ते कई जेड़ियां डाडियां काफिरा सन ना, हाँ जी अबू लाब दी बीवी अर्गियां, हाँ जी इन्हां आख्या कि ए भी माज़ अल्लाह, उन्होंने इनू भी माज़ अल्लाह जादू का नाम दे छड़िया, उन्हां आख्या ए भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई माज़ अल्लाह जादू है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ा ने किरामी कदर ये जादू नहीं सी बल्कि सैयदा दी करामत सी, मेरे नबी दा मौजज़ा सी। हाँ जी, रब करीम ने फरमाया ज़हरा जैसे ही लिबास जा वेखी अज साडी कुदरत दा नज़ारा। हाँ जी, हैरान रह गई कि साढ़े एडे एडे असी कीमती लिबास पहने। फिर औरतों की आदत होंगी है ना कि औरतां हाँ जी कितने इकट्ठिया आन किसी मजलस विआह शादी अगे पिछे जिथे भी, हाँ जी उन्हों का फोकस सिर्फ लिबास से ही हों, लिबास के हो जाए ऐद फलानी का लिबास के हो जाए फलानी, हाँ जी वो हूँ जो उन्होंने वेख्या ना सैयदा का लिबास जी उन्हें आख्या असी तो अपने लिबासा तो मान कर दियाँ सन पर यह लिबास तो बड़ा अनोखा तो निराला है। हाँ जी हों क्यों ना वह सैयदा कायनात आपके जिसमें अतहरते जो पहनया हो सुबहान अल्लाह। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर।